ये व्हाट्सअप गाइज, आई एम रोहित सिंह एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह सह्याद्री। सो इट्स अ ब्रांड न्यू डे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले कलावंतीन फोर्ट, आपने देख ही लगा स्टार्टिंग में। तो आज हम लोग कलावंतीन फोर्ट और प्रबलगढ़ दोनों कवर करेंगे। बट अगर आप कलावंती और प्रबलगढ़ दोनों एक साथ कवर करना चाहते हैं तो पहले कलावंती जाइए, उसके बाद प्रबलगढ़ जाइए, क्योंकि प्रबलगढ़ जाने के बाद आपके पैर इतने थक गए रहेंगे कि कलावंती के स्टेयर्स पे आपके पैर बहुत कांपेंगे, क्योंकि कलावंती का जो स्टेयर्स है एकदम सीधा है और वहाँ से स्लिप होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पे एक पार्किंग प्लेस है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे पार्किंग के लिए आपको कुछ रुपये भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल पीपल बैठ के उसको देखते रहते हैं। और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो कलावंती फोर्ट के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पनवेल। पनवेल से आपको सिंपली एसटी बस स्टैंड से कोई बस मिल जाएगा, बट कोविड की वजह से अगर कोई बस नहीं मिलता है तो आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा डायरेक्ट कलावंती के स्टार्टिंग पॉइंट तक। वो अप्रॉक्सीमेट 3 सीट के लिए लगभग 300 रुपये लेता है और रिटर्न होते टाइम आपको वापस कॉल करना पड़ता है ऑटो वाले को, रिटर्न आपको आएंगे लेने के लिए। गाइज, अगर आप महाराष्ट्र में एडवेंचर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कलावंती फोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेकिंग प्लेस। कलावंती फोर्ट की जो स्टेयर्स हैं वो मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स में आते हैं और वहाँ पे आपको बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो हम लोग इस समय इंटर कर चुके हैं ट्रेकिंग के लिए। मेरे साथ है मृत्युंजय और रोहन। ट्रस्ट मी गाइज, आज हम लोग बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और आगे जाके कलावंती और प्रबलगढ़ दोनों के लिए दो रूट होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बीच बीच में साइन बोर्ड भी लगे हैं, आप देख सकते हैं। बीच बीच में ऐसे हट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। आज तो यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहे कोई, नहीं तो यहाँ पे शॉप चालू रहते हैं जहाँ पे आप रुक के चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। अगर आप कलावंती या प्रबलगढ़ दोनों में से कोई भी एक ही ट्रेक करना चाहते हैं तो फिर बीच में एक विलेज पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से आप किसी एक के लिए जाते हैं तो कलावंती जा सकते हैं, फिर प्रबलगढ़ जा सकते हैं। बट अगर आप दोनों कवर कर रहे हैं तो कलावंती जाएंगे पहले। कलावंती से आने के बाद उसके पास से ही आपको सीधा एक ट्रेल मिलेगा प्रबलगढ़ के लिए, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद प्रबलगढ़ से जो व्यू मिलता है ना कलावंती का, ब्यूटीफुल, वो आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में। साथ में बने रहिए। धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अगर आप कैप और सनग्लास यूज करेंगे तो काफ़ी इजी होता है धूप में ट्रैक करना। यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड है, यहाँ पे नाइट में कैंपिंग भी होता है, कैंप आपको रेंट पे भी मिल जाएगा। ये दो ट्रेल दिख रहा है, एक कलावंती का है, उसके सामने वी शेप में आगे प्रबलगढ़ है। अप्रॉक्सीमेट 75% ट्रैक दोनों का सेम ही है, कलावंती और प्रबलगढ़ का। लेकिन ये विलेज में ये बोर्ड पे आने के बाद दोनों अलग होते हैं। इधर लेफ्ट साइड में कलावंती है और राइट साइड में जाएंगे तो प्रबलगढ़ आएगा। तो अभी हम लोग पहले
कलावंती जाएंगे, और कलावंती से डायरेक्ट प्रबलगढ़ जाने के लिए भी शॉर्टकट है। कलावंती से उतरने के बाद वहाँ से शॉर्टकट है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना थक चुके हैं गाइस, सब लोग आराम कर रहे हैं, बहुत थक गए हम लोग। अभी रेस्ट करेंगे इधर पे आधा घंटा, उसके बाद ऊपर जाएंगे। गाइस यहाँ पे एक चोर दरवाजा है, इसमें जाने के बाद अंदर से कहाँ से निकलेंगे पता नहीं। चलो एक बार चल के देखते। अंधेरा एकदम, फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। आगे से एक टर्न और है। हाँ, केवल एक कुंड है बस, और कुछ नहीं है। क्या? एक कुंड है, जैसे कहीं पे जा नहीं सकते। छुपने के लिए? हाँ, छुपने के लिए। चल अंदर जा। यहाँ पे केवल आके छुप सकते हैं। ये सैनिकों का या फिर जब हमला होता है किले पे, तभी इसमें छुपते रहेंगे। सो गाइज वी आर वेरी क्लोज टू स्टेयर्स ऑफ कलावंती फोर्ट। यहाँ पे एक रोप लगा दिया है चढ़ने के लिए, इसके बाद हमें स्टेयर्स मिलेंगे। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना है तो कहाँ उनकी फोर्ट आई। स्टेयर्स एकदम सीधे हैं। ये है सामने प्रबलगढ़।
फाइनल पीक है कला मंदिर का, बट इसमें बिना रोप नहीं जा सकते। मॉर्निंग में यहाँ पे रोप लगा रहता है, बट हम लोग लेट हो गए। अमेजिंग गाइस, हम लोग कला मंदिर के एकदम टॉप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे शिवाजी का मूर्ति मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चोर दरवाजा है वहाँ से जस्ट बाजू में सीधा ट्रेल गया है, सीधा जाने का। वहाँ पे झोपड़ी मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट में एक सीधा ट्रेल गया है डायरेक्ट डुबलगढ़ पे।